respected CP sir, all my colleagues, our Central Peace Committee ke President sahab, all members, all the ladies, press media, हमारे colleagues सबको good afternoon. आज आप सब लोगों को देख के बड़ी खुशी हो रही है. आप लोग इतनी तादाद में यहाँ पर आए हैं, ये अपने आप में दर्शाता है कि हम लोग अपनी जो हैदराबाद सिटी की शांति और सुरक्षा के लिए कितने कंसर्न हैं. आप लोग की यहाँ पे इतनी तादाद में प्रेजेंस इटसेल्फ इज ए ग्रेट सेटिस्फैक्शन टू ऑल ऑफ अस, ऑल द पुलिस डिपार्टमेंट, कि हमारे हैदराबाद के सारे सिटीजन, सारे कम्युनिटी के लोग हमारे साथ हैं और वो हमारे साथ मिलके हमारा जो हैदराबाद शहर है, जो जहाँ पे ये फेमस है अपना गंगा जमुना तहजीब के लिए, उसको कायम रखते हुए हम साथ बढ़ना है. और अपनी जो सिटी है, जो अब एक ग्लोबल सिटी है, अब आपको मालूम है तेलंगाना बनने के बाद पिछले 6 साल में एकदम हमारा हैदराबाद सिटी, पूरा तेलंगाना स्टेट पूरा पीसफुल सब कुछ चल रहा है. बड़े बड़े लोग यहाँ पे आ रहे हैं, बड़े बड़े नए नए इंस्टीट्यूट यहाँ पे खुल रहे हैं, नई नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं, इतना कुछ हो रहा है. और उससे हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन, आने वाली जनरेशन को जो पैदा हो रहा है और जो होगा, वो सब हम लोग देख रहे हैं. और वो सब जो यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, जो शांति जो यहाँ पे है, इसका क्रेडिट हम सबको जाता है, आपको जाता है, सबको जाता है. तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए बस आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा, जैसे हमारे आप बोले हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला चाहे वो किसी के भी हक में हो, दूसरी पार्टी को जो है उसको रिस्पेक्ट करना है. बहुत अच्छा उन्होंने कहा कि एक गुलदस्ता उनको जाके देना है, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है. मतलब हमें जो है दूसरी पार्टी की खुशी में शामिल होना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम फैसला है, उसके आगे कोई दूसरा सुप्रीम कोर्ट नहीं है. तो हमें उस फैसले को मानना है और अपना जो हैदराबाद सिटी है, नॉट ओनली हैदराबाद सिटी, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे तेलंगाना में हमारी ये सबसे यही गुजारिश रहेगी कि हम शांति कायम रखें, अपना हमारा जो देश है जो आगे बढ़ रहा है, अभी जो हमारा टारगेट है $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी जो हमें करना है नेक्स्ट 5 ईयर्स में, उसको अचीव करना है. और उसके लिए हमें शांति जो है बनाए रखना है और वो तभी मुमकिन है जब हम सब लोग मिलके साथ रह के आगे बढ़ेंगे. तो मैं बन सके और पीस कमेटी मेंबर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सब लोग इतनी तादाद में यहाँ पे आए और अच्छे अच्छे बातें सुनने को मिली, इतना कॉन्फिडेंस हम में, आप में, सब में है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. जय हिंद.